आश्रम के विद्यार्थियों के लिए है, वार्षिक परीक्षा 2024 अनुक्रमांक देख रहे हैं, शिल्प कला तथा संबंधित कला का पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत तीन प्रकार के पेपर एक ही पेपर में होते हैं, नंबर एक पुस्तक कला, नंबर दो कृषि विज्ञान, नंबर तीन गृह विज्ञान। तो बिल्कुल अब गृह विज्ञान का पेपर हल करने चल रहे हैं, देख रहे हैं दोनों पेपर पहले से मैंने डाल दिया है, शिल्प कला कृषि विज्ञान का पेपर। और पेपर कोड पहले देख लीजिए, जितना डिमांड हो रहा है कि सर इस तरह डालिए, एएस कोड का है, कक्षा 8 लिखा गया है, एएस कोड का पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल हल मिलेगा आपका, संपूर्ण हल मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। यदि वीडियो आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। यदि आप शेयर करते हैं, अधिक से अधिक अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहेगा। और यदि आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर शेयर पर पेपर मिलना भी मुश्किल हो सकता है। शेयर करने का ढंग मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अगल बगल इष्ट मित्र के जो अगल दूसरे विद्यालय के बच्चे हैं उनको बताइए कि यार एक श्री गणेश अकेडमी चैनल है जहाँ पूरा पेपर डाला जाता है छमाही वार्षिक प्री बोर्ड का, और एमए तक के विद्यार्थियों के लिए आपका लंबा सफर है, इससे संबंध बना लीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, उनको बताइए, तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। आप एक विद्यालय के बच्चे से बताएंगे, उससे कहिए कि आप भी अपने अगल बगल के विद्यालय से अपने साथियों से बताना, एक दूसरे से शेयर करिए, तो कारवा बनता चला जाएगा और प्रतिवर्ष आपको प्री बोर्ड अर्धवार्षिक वार्षिक का पेपर मिलता रहेगा। अब चलते हैं कौन सा पेपर हल करना है, गृह विज्ञान का फिर से देख लीजिए, एएस कोड का पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण विद्यालय का है, एडेड कॉलेज का है, गृह विज्ञान का पेपर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क्या कह रहा है, टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सत्य है। नंबर दो, शून्य अंश सेल्सियस तापक्रम पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, गलत। अगला है, हमारे शरीर में लगभग 90% पानी होता है, सत्य। ब्रेड रोल बनाते समय ब्रेड पानी में नहीं भिगोना चाहिए, गलत। गुजरात प्रदेश की कढ़ाई गुर्जरी है, सत्य। अगला आगे है, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, पेपर को पलट रहे हैं, फिर वही बात, अधिक से अधिक शेयर करना, ऑल इंडिया में चैनल को बिखेर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि जिससे आपको आने वाले समय में वीडियो अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर सदैव मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है, बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता है, बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता है। अगला है, देखिए चिकनगुनिया आगे डॉट डॉट मच्छर के काटने से होता है, तो इसका 478 पृष्ठ पर है, देख रहे ना, चिकनगुनिया पहले है, आप देख रहे ना, चिकनगुनिया आगे है, मच्छर के काटने से होता है, 478 पृष्ठ पर है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, चिकनगुनिया एडीज एजिटी मच्छर के काटने से होता है, देख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हींग में गोंद से मिलावट होती है, किसे गोंद भरा जाएगा। वस्त्रों की सिलाई करना एक कला है, क्या है, कला है। हल्दी का पुराना धब्बा स्प्रिट में भिगोने से छूट जाता है, देख रहे हैं ना। अगला है, अति लघुती प्रश्न है, उत्तर देना संक्षेप में, खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है, तो खसरे का टीका बालक या बालिका में, बच्चों में 9 माह से 12 माह में के बीच लगाया जाता है। मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, 470 पृष्ठ पर भी है, मलेरिया बुखार देख रहे ना, मलेरिया बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, देख रहे हैं, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। मलेरिया रोग एनोफलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, या मच्छर जब स्वस्थ शरीर को काटता है तो उसके रक्त में मलेरिया के कीटाणु प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल शेयर अधिक से अधिक करना है, ताकि आपको। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एसिड तेजाब से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे, 480 पृष्ठ पर है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा हल आपको मिल रहा है, केवल आपको क्या करना है, आपको केवल अधिक से अधिक शेयर करना है। एसिड
देख रहे ना, एसिड तेजाब से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे? यदि शरीर में किसी भाग पर तेजाब गिर पड़े तो उस भाग को तुरंत अमोनिया के घोल से धोना चाहिए। यह ध्यान रहे कि पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है, फंदे कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए तो 483 पर मिल जाएगा। बिल्कुल आपको फंदे का कितने प्रकार होते हैं 483 में मिलेगा। देख रहे हैं ना, फंदे कितने प्रकार के होते हैं? फंदे दो प्रकार के होते हैं, उल्टे फंदे व सीधे फंदे। देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है फंदे कितने प्रकार के होते हैं? बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? 485 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं, बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? बधाई पत्र विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर, जन्मदिन, नए साल आदि पर भेजे जाते हैं बधाई पत्र। देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल शेयर आप करेंगे तो पेपर प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहेगा। कुपोषण किन किन कारणों से होता है? इससे होने वाले किसी एक रोग के व लक्षण के उपचार लिखिए। 475 पृष्ठ पर है, बिल्कुल एक छोड़ना नहीं है। 475 पृष्ठ पर आपको मिल जाएगा, 475 पे। लेकिन शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर मिलता रहे। देख रहे हैं ना, कुपोषण क्या है, इससे बचने का कोई 5 उपाय लिखिए। देख रहे हैं ना, अब इसमें कुपोषण आपको देख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा आपको कुपोषण दिखाई दे रहा है। अब आगे जो है आपको लिखना है, आगे पढ़ना पलटते हैं, देखिए क्या है। कुपोषण आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, कुपोषण देख रहे हैं ना। कुपोषण से होने वाला रोग पूरा का पूरा आप ऐसे लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर या उपाय भी ऊपर दिया गया है। देख रहे हैं ना, अगला सब दिया गया है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तो कुपोषण हो गया। अगला है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने में पहले पढ़ लीजिए का क्या कह रहा है। इधर है दूध, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, मसाले, मेवे, अनाज। तो यहाँ पर उपाय भी दिया गया है, क्या कह रहा है। माल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, किसको, अनाज को। नमी से बचाकर खुले में रखते हैं, क्या चीज़, हरा धनिया या प्याज। उबालते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, धूप में सुखाते हैं। और ये उबाल कर रखते हैं क्या है, या उबालते हैं दूध को, उबालते हैं। 477 पृष्ठ पर है, इसको बिल्कुल हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। 477 पृष्ठ पर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना, चीज़ें दूध और हरा धनिया, प्याज, लहसुन न, यहाँ पर है दूध, हरा धनिया और प्याज लहसुन। इसमें एक चीज़ और आ गया है, मसाले, मेवे और अनाज, दो चीज़ नहीं है तो हम बता दे रहे हैं। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इससे अब दो चीज़ और आया है जो मिलाने के लिए। इसमें क्या, मसाले मेवे को क्या करते हैं, और अनाज को क्या, अनाज को जो है, अनाज को क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। मसाले मेवे में देख रहे हैं, इसको करते हैं, देख रहे हैं। और अनाज को, इसको अनाज को गो गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, तो ये अंकुरित होता है नहीं अनाज में। और कुछ है, सुखाते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, उबालते हैं, दूध हो गया, नमों से बचाकर खुले में रखते हैं। प्याज लहसुन के बारे में हो जाएगा, ये तो प्याज लहसुन है, इसमें प्याज लहसुन है। प्याज लहसुन को नमी से बचाकर सुखाते हैं, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, दूध को उबालते हैं। ये सब देख रहे हैं, दो बच रहा है, दो आप मिला देंगे देख करके ना। एक दूध को उबालते हैं में हो गया, अनाज का अनाज को जो है सुखाते हैं, ये सब में यहाँ दिखाते हैं, हाँ आपको बिल्कुल रखना है। अगला, गाजर का हलवा क्या है, गाजर का हलवा बनाने की विधि सामग्री सही लिखिए। देख रहे हैं ना, गाजर का हलवा 484 पृष्ठ पर है, 484 पृष्ठ पर है, 484 पृष्ठ पर है गाजर का हलवा 484 पृष्ठ पर है गाजर का हलवा। देख रहे हैं ना, अब गाजर का हलवा के बारे में आपको लिखना है पूरा गाजर का हलवा। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पूरा सामग्री सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं कर छोड़ेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तब आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलता रहेगा। अगला है,
कलह कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। 487 पृष्ठ पर है ये भी, 487 पृष्ठ पर देख लीजिए। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी काम बनेगा आपको। कलह कितने प्रकार के होते हैं, पूरा का पूरा देख रहे ना, गाढ़ा कलह, मध्यम कलह, पतला कलह, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। अंतिम क्वेश्चन है, कप प्लेट अथवा सुराही गिलास का स्वच्छ और सुंदर चित्र बनाइए। बिल्कुल आप अपने घर पर गिलास को देखते हैं, देख रहे ना, अथवा सुराही गिलास का चित्र बना करके सुंदर पूरा का पूरा नंबर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।